इसीलिए पहला सुनिश्चित करना है रेगुलेटर फ्री है, तो बाई और घुमाएं फ्री है, मतलब रेगुलेटर में प्रेशर नहीं है। इसके बाद आप स्पिंडल किसे खुलेंगे, ठीक है, ये खुल गया स्पिंडल किसे खुलेगा तो आपका यहाँ पर जो है तो सिलेंडर में जो गैस है वो दिखाएगा, यहाँ जो है आपको प्रेशर गेज से प्रेशर दिखाएगा, दो गेज है, एक प्रेशर गेज है तो वर्किंग गेज है, ये खोल के दिखाया। फिर आपने बीए खोलिए, बीए खोल दिए तो कितना खोलना है, ढाई पेंच खोलना है, ठीक है, ढाई पेंच से अधिक में है तो बहुत पेंच है, एक दो ढाई बस इससे अधिक में, इसी में आपको पूरा गैस है, ये आप खोल दिए। अभी आपका ये दोनों खुल गया, अब ये अगर आपके पास सिंगल है तो हमेशा ऑक्सीजन में लगा कर रखेंगे, कोई भी यहाँ पर आगजनी वाला है घटना होगा, आगजनी का दो है, एक है बैक फायर एक फ्लैश बैक, ये इसका डिवाइस का है और दूसरा भी कोई है, तो पहले ऑक्सीजन बंद करेगा, जहाँ ऑक्सीजन बंद करेंगे तो आपका इसके अंदर में जो आग है ये सारा बंद ऑक्सीजन भी जलता है, ऑक्सीजन का जलेगा नहीं, बंद कर दीजिए फिर डीए बंद करिए, और इसको तुरंत जो पानी का भी गड्ढा रखते हैं उसमें तुरंत डाल देना, पानी का टब में पूरा इसको डुबो देना डिवाइस, ठीक है। तो ये खोलने के बाद अभी क्या है कि प्रेशर सेट करना है, क्या सेट करना है, प्रेशर सेट करना है, तो प्रेशर सेट देखिए, पहले आप ऑक्सीजन का प्रेशर सेट करें, इसमें प्रेशर है हमको कितना करना है, इसमें देखिए बाहर में लिखना ये से है, तो हमको 16 एमएम तक कांटे का ये जो है आपका नोजल है ये 16 एमएम तक कांटेगा, ये 25 लगा था, तो इसमें आपको दो बार तक सेट करोगे ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है ना, ट्रेनिंग में थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, इसके बाद कम रखेंगे, ये एक बार में भी कटेगा लेकिन हम दो बार तक सेट करेंगे। प्रेशर उठ रहा है दो तक उठा लिखा है, दो बार उठाए हैं, अभी रनिंग सेट करेंगे, ये उसमें प्रेशर उठ गया, अभी रनिंग के ये वाल्व है ऑक्सीजन का ब्लू और ये है डीए का, ऑक्सीजन का भाग खोले ये वो में स्थिर है, ये गिरता है उठता है, ये स्थिर है एक हो गया, अच्छा ये स्थिर है, फिर आप प्रेशर देंगे देखेंगे कभी स्थिर है मतलब कंफर्म हो गया, फिर बंद कर दो। इसके बाद ये आप डीए का सेट करो, डीए का सेट है, इसमें भी आप इसको जो है 0.5 बार में आपका अधिक दिया हुआ है, आपको 0.5 है तो आप 0.25 में सेट करोगे, कितने सेट करोगे, उससे भी कम, इसमें जो काटा दिया हुआ है अब काटा देना 0.25 है मतलब आपको 0.5 का आधा सेट करना, ठीक है। तो ये फिर रनिंग देखो, रनिंग देखेंगे इसी फ्लेम स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए इसको भी खोल के हम देख लेते हैं कि हाँ ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, काम कर रहा है। अब जो है इसको बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, इसको आप मालूम करके देखेंगे पहले यहाँ पर कोई लीक है कि नहीं, देखिए बिल्कुल सही है, लीक नहीं है क्योंकि यहाँ जॉइंट्स है, लीक होगा तो आपका गड़बड़ करेगा, आग लगेगा। फिर आप पूरा डाल के देखिए यहाँ कोई लीक है कि नहीं, ठीक है, देखिए, ठीक है, कहीं भी कोई बूंदा बूंदी नहीं आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही है, समझ गए। इसके बाद जब पानी में डालें तो इसको जो है बिल्कुल आप फ्री कर लो, आप तो थोड़ा सफाई दिखा देते हैं, इसमें अभी हमारा रनिंग में है, इसको अभी थोड़ा सफाई देखिए, सफाई के लिए जो है इसमें आपका जो है टिप देखिए करना है, टिप भी ड्रिल बना हुआ, ठीक है, टिप में क्या है ड्रिल बना है, तो ये काम करते करते जब इसमें गंदगी आ जाए, गंदगी है कार्बन और कुछ नहीं है, गंदगी कार्बन है, इसको साफ करने के लिए आप बिल्कुल इसके साइज का डालोगे ऐसे रखेंगे, ठीक है, और रख के ऐसे इसको जो है इसका साइज का ही आप इसमें देना, एकदम आसानी से जाए, देखो आपको दिखा रहे हैं एकदम बिल्कुल फ्री जाएगा, अगर फ्री नहीं जाएगा तो क्या होगा बताइए सर, वो ख़राब हो जाएगा, तो होल का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, वो बिगड़ सकता है, ठीक है,
बॉल का साइज बिगड़ सकता है, फ्री जाना चाहिए। ये जो गए ना, ये राउंड ऐसे राउंड, ये अप डाउन नहीं राउंड चलेगा, ये साफ हो गए, ठीक है। इसके बगल में 6 होल है, 6 है प्री हिट होल है, और बीच में है कटिंग होल है, ठीक है, बीच में कटिंग होल है। देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल कार्बन वगैरह सब निकाल देगा यहाँ से, तो है सूक्ष्म काम है, इस काम में हड़बड़ी नहीं करना है। इसमें मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। ये आपने पूरा साफ कर लिया, अभी क्या है कि पूरा प्रिकॉशन के साथ अभी फ्लेम बनाना है, बिना चश्मा काटते हैं नहीं काटना है। आपका चश्मा अंदर का है, जो आप पावर वाला लगा के रखे उसके ऊपर चश्मा लगाइए, बाएं हाथ का पूरा ये आपने घुमाया, ये नॉब घुमाया, अब ये जलाइए, ये जलिए, ये फ्लेम गैप नहीं होना चाहिए, ये फ्लेम में गैप नहीं होना चाहिए, फ्लेम बिल्कुल सटा होना चाहिए। फिर आपने ऑक्सीजन धीरे धीरे दीजिए, ऑक्सीजन धीरे धीरे दे रहे हैं तो एक फ्लेम आ रहा है आपका, हाँ आपको दिखा रहे हैं, बीच में लंबा सा वो नहीं आना चाहिए, वही होना चाहिए ना, क्यों देखिए ये दिख रहा है नीला रंग का, और ये आपका ऊपर एनवेलप है, ठीक है, इसको आप प्रेशर से करिए, इसमें फ्लेम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जब प्रेशर से जाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, कटिंग प्रेशर से देख लीजिए, फिर आप काट रहे हैं। ध्यान रखिए जो भी निकलेगा ना, इसके नीचे दिए कुछ नहीं दिए, है सर पाइप है, इधर नहीं दिख रहा है, इस साइड है, इस साइड प्लेट है, प्लेट, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखे, ये जो काटेंगे आप ध्यान रखिए कि आपका जो फ्लेम है बिल्कुल सुरक्षित स्प्रेड करना चाहिए, बहुत सारा इसमें जो बार्स है जला हुआ राख है वो स्प्रेड करेगा, इसीलिए नीचे आपने फट्टा डाले हैं तो सीमेंट से जो प्रतिक्रिया करेगा ना तो फटता है, नहीं फटेगी इसीलिए आप डाले। अभी आपने मार्किंग जो किए हैं वहाँ से काटना है ऐसे, देखो ना फट रहा है, ये देखिए यहाँ पर 6-3 होल्स को रखिए और ये प्रेशर दीजिए, काटेगा ये, कटता है, ठीक है, बिल्कुल कटते जाएगा। अच्छा समझ में आ रहा तो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत आएगा तो भी बताइए। कट रहा है ना? जी सर। हाँ, ऐसे कटते जाएगा, आपका मार्किंग सही होना चाहिए, मार्किंग सही नहीं होगा तो कटिंग भी गलत होगा। कोना गर्म हो रहा है, प्रेशर दे रहे हैं, कटिंग चालू हो गया, मोहम्मद तैयारी करो, काटो, यही कटिंग है, है ना, आसान है ना, है काटने देंगे,